अवज़ुल् नशीरम बिस्मिलीम अल्लाम वरम वा स्टूडेंट्स टुडे आई नारा टीचर कसलो लेक्चर फॉर क्लास थर्ड सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश टॉपिक इज़ ग्रामर वर्क पेज नंबर वन जीरो टू ऑफ योर टेक्स्ट बुक आपकी टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर वन जीरो टू है उस पर हमें एक ग्रामर का पोर्शन है दैट इज कंजक्शन पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ तो ये आज रिपीटेड है तो रिपीट कर रही हूँ मैं आज ये तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ए कंजक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच विच जॉइनस टू सेंटेंसेज वर्ड्स विदाउट चेंजिंग दियर मीनिंग कंजक्शन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो दो जुमलों को या वर्ड्स को मिलाता है और उनकी मीनिंग चेंज भी नहीं होती है विदाउट चेंजिंग दियर मीनिंग ठीक है कंजेक्शन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है बट विदाउट चेंजिंग दियर मीनिंग ठीक है फॉर एग्जाम्पल द रोज इज अ फ्लावर एक पूरा सेंटेंस है द रोज इज द किंग ऑ ऑफ फ्लावर्स ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंसेज दीज आर टू सेंटेंसेस ठीक है रोज इज अ फ्लावर गुलाब एक फूल है द रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स फ्लावर फूलों का गुलाब फूलों का बादशाह है ठीक है ये दो सेंटेंसेस है मीनिंगफुल सेंटेंसेस नाउ जब हम इसको कंजक्शन में चेंज करेंगे तो वो ऐसे आएगा रोज इज अ फ्लावर एंड द किंग ऑफ फ्लावर्स ठीक है फिर से वही मीनिंग रह गई बट ये यह यहाँ पे एंड जो हमने लगाया यहाँ पे ये यह कंजक्शन का वर्ड है ठीक है इट मीन्स हियर वी कंजक्ट दिस टू सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस बट विदाउट चेंजिंग दियर मीनिंग हमें हम दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस को मिलाते हैं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं बट जिस वर्ड से हम उसको मिलाएंगे जो वर्ड हम वहाँ पर लगाएंगे दैट इज कॉल्ड द कंजक्शन ठीक है तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस कॉर्डिनेटिंग कंजेक्शंस में हमें एंड बट और नॉर फॉर यट सो आते हैं वायरस सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन में ऑल दो बिकॉज सिंस अनलेस ठीक है दीज आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शंस ठीक है तो आगे हम इंशाल्लाह इसको और पढ़ेंगे तो वो हम कल के टॉपिक पे पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही काफ़ी अल्लाह हाफिज़ थैंक यू